नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्त काल में कुमार गुप्त व स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा था। आज हम कुमारगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त थे। इनका कार्यकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की और इनकी मुद्राओं पर अजित महेंद्र और महेंद्र सिंह जैसे शब्द मिलते थे, ये इनकी उपाधियां हैं। इसके अलावा अश्वमेघ महेंद्र, इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ करवाया होगा। वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम शकरादित्य भी बताया है। किसने? चीनी यात्री वेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम शकरादित्य भी बताया है। इसी तरह तुमुन अभिलेख में इन्हें शरदकालिक सूर्य कहा गया है। गढ़वा लेख में परम भागवत कहा गया है, अर्थात इनके कार्यों के आधार पर इनकी तुलना शरद के सूर्य से और वैष्णव धर्म के प्रति आस्था होने के कारण इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इनके समय में बयाना कहां पर आया हुआ है? भरतपुर में, जो मुगल काल में राजस्थान में नील की कृषि के लिए प्रसिद्ध था और उसके बाद अंग्रेजों के काल में भी यहाँ पर नील की खेती है वो होती थी। तो यहाँ बयाना भरतपुर है, यहाँ से चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, वो भी कुमारगुप्त के काल के माने जाते हैं। इसके अलावा कुमारगुप्त के काल के सिक्के हैं वो मयूर शैली के, उस पर मोर की आकृति नुमा अंकित है, इसलिए उनका नाम भी मयूर शैली है वो दे दिया है। और गुप्त शासक हुए श्रीगुप्त घटोत्कच, और उसके बाद में अपन देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, आगे स्कंदगुप्त। तो ये जो कुमारगुप्त है ना, इसके काल में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, अर्थात 18 अभिलेख हैं वो गुप्त शासकों में सर्वाधिक कुमारगुप्त के काल के प्राप्त होते हैं। उसी टाइम कुमारगुप्त के काल में पुष्यगुप्त जाति के द्वारा आक्रमण किया गया और कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को उनका आक्रमण विफल करने के लिए भेजा और स्कंदगुप्त ने उनके आक्रमण को विफल भी है वो किया था। ठीक है, अब इनके काल की इम्पोर्टेंट उपलब्धि है आगे, और एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, वो ये है कि कुमारगुप्त के काल में भारत के विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत भव्य विशाल विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान पटना बिहार में पड़ता है और यहाँ पर सभी तरह के विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक रहते थे और यह विशेष तौर से बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में
पढ़ने वाला विद्यार्थी उस समय में श्रेष्ठ पदों पर आसीन होता था, उसका समाज में रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता था और यह विश्वविद्यालय आसपास के गांवों द्वारा दिए गए अनाज कर आदि पर संचालित होता था। इस विश्वविद्यालय का उपनाम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्धा के रूप में भी मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके शिक्षण कार्य करवा के हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचे थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका एक भव्य पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी और उसे उसमें में धर्म यज्ञ के नाम से जाना जाता था। मित्रों, उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत के बाहर चीन, इंडोनेशिया, तिब्बत आदि कई देशों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन उस समय में हमारे यहाँ पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और उनके आक्रमण के कारण से हमारा ये भव्य और श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है वो मतलब एक खंडर का रूप में वो हो गया था। तो उस समय में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय की भव्यता और इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए इसको वो नष्ट किया था। तो ये हमने सब पढ़ा है कुमार गुप्त के बारे में। ठीक है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट जैसे तुम अभिलेख में इनकी तुलना किससे की गई है, शरदकालीन सूर्य से, गढ़वा लेख में परम भागवत से और कुमार गुप्त के काल के सर्वाधिक चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बयाना भरतपुर से। ठीक है, और कुमार गुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था और इसका उपनाम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्धा। और नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य जो पुस्तकालय था उसका नाम था धर्म यज्ञ। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट करने वाला था वो था बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। स्कंद गुप्त का कार्यकाल 455 ईस्वी से 467 ईस्वी। किसका कार्यकाल? स्कंद गुप्त का। तो देखिए, स्कंद गुप्त है, इसकी उपाधियां शक्रादित्य एवं परम भागवत। ठीक है, उन्हों को पराजित किया था क्योंकि इनके काल में उन्हों के आक्रमण हुए और उन्हों के आक्रमण के कारण इन्होंने उन्हों को पराजित किया, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख व भीतरी अभिलेख में प्राप्त होती है। किसकी जानकारी? उन्हों को पराजित करने की जानकारी।